हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेशन कंप्लीटली मैथ्स में। आज इंडियन आर्मी का राम सिंह यादव का प्रैक्टिस सेट पेपर 29 कवर करेंगे इस वीडियो में। और आप लोग सीरियल से एक एक क्वेश्चन देखते जाइएगा। मैं मैथ्स के सवालों को बहुत ही स्लो मोशन में और बहुत ही सरल विधि से आप लोगों को बताऊंगा, तो एक एक सवाल आप देखते जाइएगा। और इस सेट में 29 नंबर में क्वेश्चन स्टार्टिंग होता है मैथ का फर्स्ट नंबर से, स्टार्टिंग से पहला पार्ट मैथ का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसका मैथ वाला क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 4,080 रुपए में 15% हानि पर बेची, बताओ वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% लाभ प्राप्त हो। तो यहाँ पर देखिएगा 15% जब हानि में बेच रहा है तो कितने में बिकती है, 4,080 रुपए में। तो 15% हानि का मतलब वो बिकी 85% में। जब 15% हानि है तो माइनस कर देंगे 100 में, तो जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो 85% की वैल्यू दे रखा है। कितना दे रखा है, 85% की वैल्यू 4,080। यहीं से 1% की निकाल लेंगे, 4,080 बटे कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ 85। तो हमें कह रहा कि उसे 15% लाभ में भी बेचे, तो 100 धन 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 115% की निकाल देना है। तो 4,080 बटे हो जाएगा 85 गुणे कितना हो जाएगा, 115। 5 से काटेंगे तो 17 बना 85, 5 से इसको काटेंगे तो 5 गुनी 10 और 5 15 हो जाएगा 23। 17 से इसको काट देंगे, 17 एकम 17 देखिएगा, 17 दूनी 34 6 68 17 64 68 ये 240। अब 240 और 23 का गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, तो 24 72 की 2 5 7 24 48 7 55 और 1 0 लगा देंगे, मतलब 5520 रुपया हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, इसको 3 स्टेप लगा देना। कह रहा है कि 15% हानि पर बेचा तो इतने में बिकी, तो 15% हानि मतलब 100 माइनस 15 कर देंगे तो कितने परसेंट में बिकी, वो 85%, ये याद रखना है। फिर कह रहा है कि 15% यदि लाभ लेके बेचेगा तो 100% होगा तो 15% और आ जाएगा तो 115% हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को ध्यान देना है, 115% की वैल्यू निकालना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वर्ग का विकर्ण 20 मीटर लंबा है तो उसका क्षेत्रफल होगा। अब यहाँ पर वर्ग का विकर्ण दिया है तो विकर्ण बराबर लिख देंगे और एक साइड सूत्र लिख देंगे तो उसी से भुजा मिल जाएगी, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका सोल्यूशन, वर्ग का विकर्ण दिया है इसमें, वर्ग का विकर्ण कितना दिया है 20 मीटर, यहाँ लिख देंगे 20 मीटर। इस साइड सूत्र लिख देंगे इसका, भुजा दो, वर्ग का विकर्ण होता है बराबर 20, रूट दो बटे में चला जाएगा तो भुजा कितनी आ जाएगी 20 और बटे कितना हो जाएगा रूट का 2, कर्णी में 2 बटे में चला जाएगा, ये भुजा आ गई। अब क्षेत्रफल निकाल देंगे इसका, क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 20 बटे कर्णी में 2 गुणे 20 बटे कर्णी में 2, दो बार गुणा कर देंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 20 गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा और बटे कर्णी में 2 कर्णी में 2 है तो 1 2 आ जाएगा, जब समान संख्या में कर्णी में समान संख्या हो तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर 2 1 2 काट देंगे 2 4 200 वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी 200। तो इस क्षेत्रफल आ गया, अब 200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि क्षेत्रफल है तो 200 आएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा प्रश्न देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 735 में जोड़ने पर, यहाँ पर जोड़ने के लिए कह रहा है तो ध्यान दीजिएगा, घटाने के लिए भी आ सकता है लेकिन इसमें जोड़ने पर प्राप्त संख्या 8 से पूर्ण भाज्य हो, तो सबसे पहले 8 से भाग कर देंगे 735 में, इजी क्वेश्चन है देखिएगा। 735 में, सॉरी 735 में 8 से भाग कर देंगे तो 8 में 72 9 बार जाएगा, 1 बचा 1 15 हो गया, 8 एकम 8 एक बार यहाँ भी जाएगा तो 7 बचेगा। अब यहाँ पर दो कंडीशन होती है, घटाने पर देखता, घटाने पर पूछता तो सीधे शेष पर 7 हो जाता, लेकिन यहाँ जोड़ने पर पूछा कि क्या जोड़ दिया जाए तो जोड़ने पर कितना जोड़ना पड़ेगा, तो भाजक माइनस शेष, पहले इसको 8 में 7 घटा देंगे तो उत्तर हमारा कितना आएगा 1, क्योंकि सूत्र होता है जोड़ने वाली संख्या जब निकालना हो तो भाजक माइनस शेष, आपको ये भाजक में शेष पहले माइनस करने के जो आएगा 1 जोड़ा जाए तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 1।
यदि घटाने के लिए बोलता 735 में क्या घटा दे, घटाने पर तो घटाने पर डायरेक्ट शेष, घटाने के लिए यदि बोले तो डायरेक्ट शेष घटा दिया जाता है। और यदि जोड़ने के लिए बोले तो पहले 8 - 7 पहले इसको माइनस कर लेंगे और फिर इसके बाद जो आएगा वो जोड़ा जाएगा। तो यहाँ विशेष ध्यान देना जब जोड़ने के लिए है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 2.5 × 2 तो ये दो तो कैंसिल हो गया यहीं से, तो इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो ये दो दो जो ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 25, 25 को वर्ग कितना होता है 625, और दो बार जब गुणा करेंगे दशमलव वाली संख्या तो 6.25 आ जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस 11 का कितना होता है 121 और माइनस 1, 121 में 1 घटाएंगे तो 120 होगा, तो 6.25 में कितना जुड़ जाएगा 120, तो उत्तर कितना आ जाएगा 120 और 6 मिलेगा तो 126.25 इसका आंसर आ जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो ये सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका समझेंगे, पांचवा प्रश्न देखिएगा, आराम समझिएगा, विलोपन विधि से ये सवाल हल होगा। यदि 5 कुर्सी व 2 मेजों का मूल्य 750 रुपये है तथा 3 कुर्सी व 3 मेजों का मूल्य 540 रुपये है तो 1 मेज व 1 कुर्सी का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर 1 मेज और 1 कुर्सी का मान लेंगे एक्स और वाई, तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो 1 कुर्सी का कितना हो जाएगा एक्स, 1 कुर्सी का मूल्य कितना मान लेंगे एक्स और 1 मेज का कितना मान लेंगे वाई, 1 मेज का वाई, मेज का वाई मान लेंगे, 1 मेज का कितना है वाई। अब यहाँ 1 कुर्सी का जब एक्स है तो 5 कुर्सी का 5x हो जाएगा सीधा सीधा 5x, और 2 मेज का 2y, जब 1 मेज का 1y है 2 मेज का 2y, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x और -2y इन दोनों का कुल मूल्य कितना दिया गया है 750, 5x - 2y बराबर 750। और एक और प्रश्न अनुसार ये पहला समीकरण है, दूसरा बनेगा 3x - 3y बराबर 540, 3x - 3y बराबर कितना बनेगा 540 समीकरण 2। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, यहाँ पर x वाला पद समान कर लेंगे, 3 का गुणा कर लेंगे यहाँ पर और 5 का गुणा कर देंगे इधर, 3 × 5 = 15x + 3 × 2 = 6y बराबर 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 2250। अब यहाँ 5 × 15x गुणा कर लेंगे प्लस 5 × 15y बराबर 520 की सुन हासिल दो, 5 × 25 = 2, 2700। अब यहाँ पर घटा देंगे, माइनस कर देंगे तीनों को, ये तो x वाला पद कैंसिल हो गया, 6y में 15y घटाना है तो 9 × 6 = 15 - 9y, और यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस में आएगा 10 में 0, 10 में 5 घटाएंगे 5, और यहाँ पर 6 × 2 घटाएंगे तो 4, 450, और ये भी चिन्ह माइनस है, 2 में 2 घटाएंगे 0, माइनस माइनस कैंसिल, 9 × 1 = 45, वाई बराबर कितना आ जाएगा 50, 1 मेज का मूल आ गया 50। समीकरण 1 से 1 में रख दिए वाई का मान, समीकरण 1 से 1 ये रखा हुआ है 5x + 2y बराबर कितना 750 है, तो y का मान 50 ही रखेंगे, तो 5x + 2 × यहाँ पर कितना रख देंगे 50 बराबर 750, तो 50 × 100 मतलब यहाँ जब सॉल्व होगा तो ये 5x उधार लेंगे, 5x + 50 × कितना हो जाएगा 100 बराबर 750, 100 को 75 कर देंगे तो 5x बराबर हो जाएगा 650, 5 इसको काट देंगे तो 5 × 5 5 × 15 = 130, 13 × 5 = 65, तो यानी x बराबर कितना आ गया 30। अब 1 कुर्सी व 1 मेज का मूल 1 कुर्सी व 1 मेज यानी प्लस 1 मेज, तो यहाँ पर रख देंगे वैल्यू आ जाएगी, 1 कुर्सी का भी निकाल दिए 130 है और 1 मेज का निकाले तो y का मान 50 जोड़ देंगे दोनों को तो 180 रुपये हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा 180 रुपये। तो आपको इसको इसी तरह लगाना पड़ेगा, विलोपन विधि से भी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां प्रश्न देखिए, एक धनराशि 2 वर्ष पश्चात 1040 रुपए हो जाती है, ये तो जो 1040 दिया है ये मिश्र धन है, यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपए है तो ब्याज की दर है, तो देखिएगा पहले दर का सूत्र पहले लिखेंगे सोल्यूशन में, पहले दर का फार्मूला लिखते हैं, दर का फार्मूला होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, मूलधन गुणे समय। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये तो अमाउंट हो गया, ये मिश्र धन है, ये वैल्यू किसकी हो गई मिश्र धन, और यहाँ पर एक 40 रुपए ब्याज है, ब्याज कितने रुपए है 40, तो हमारे पास 40 है ये ब्याज 40 है, तो 40 हमने ब्याज की जगह रख दिया गुणे 100 बटे
अब मूलधन नहीं पता है तो मूलधन निकालेंगे, मूलधन बराबर सूत्र होता है, मूलधन बराबर फार्मूला मिश्र धन माइनस ब्याज, अमाउंट माइनस ब्याज, मिश्र धन माइनस ब्याज होता है। मिश्र धन दे रखा है 1040 और माइनस ब्याज है 40, घटा देंगे तो मूलधन कितना आ जाएगा 1000 रुपए। ये मूलधन निकालेंगे तो 1000 यहाँ रख देंगे 1000, और समय 2 वर्ष दिया तो समय 2 उत्तर आ जाएगा। यहाँ 0 0 पहले कैंसिल, 1 0 और कैंसिल, 2 1 2 2 2 4 दर कितने परसेंट हो जाएगी 2%, यही इसको सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सातवां प्रश्न देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 17 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल। अब ये हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये तो जानकारी है कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, ये जानकारी है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ पर लंबाई कितना दिया है 15, तो 15 गुणे, अब चौड़ाई नहीं दिया है तो चौड़ाई की वैल्यू यहाँ क्या रखना है, तो देखिएगा आप जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो विकर्ण दे रखा है, विकर्ण 17 है, तो सूत्र से लगा देंगे विकर्ण का स्क्वायर, पहले सूत्र लिख देंगे बराबर लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग, ये इसका फार्मूला। चौड़ाई नहीं दिया x मानेंगे, यहाँ पर x रख लेंगे, विकर्ण दिया है 17 तो 17 स्क्वायर बराबर लंबाई दे रखा है 15 का स्क्वायर धन यहाँ x मान लेंगे चौड़ाई x स्क्वायर, 17 का वर्ग 289 और ये बराबर 15 का वर्ग 225 और धन ये x स्क्वायर, तो 225 पचहत्तर करेंगे तो 289 माइनस 225 बराबर कितना होगा x स्क्वायर, घटाएंगे 9 में 5 4 8 2 घटाएंगे 6 64 बराबर x स्क्वायर, तो ये 64 आपका स्क्वायर होता है बराबर x स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8, मतलब यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो 8 आ गई, तो चौड़ाई यहाँ 8 कर देंगे तो 15 × 120 क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से चौड़ाई आपको निकाल के और सूत्र में रख देना। अगला प्रश्न देखिए, इसकी माध्यिका पूछ रहा है 80 20 46 15 17 14 12 की माध्यिका, तो पहले क्या करेंगे आंकड़ों को बढ़ते क्रम में, आंकड़ों को बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में लिख देंगे, तो बढ़ते क्रम में जब लिखेंगे तो पहले सबसे छोटा लिखेंगे, तो इनमें सबसे छोटा क्या है 12, फिर इसके बाद क्या है 14, फिर इसके बाद क्या है 15, फिर इसके बाद क्या आएगा 17, फिर इसके बाद क्या आएगा 20, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा 46 और लास्ट में क्या आ जाएगा 80। तो यहाँ पर आंकड़े कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 आंकड़े हैं, और माध्यिका का मतलब होता है बीच का मान, बीच का मान का मतलब 3 आंकड़े इधर के छोड़ देंगे 3 उधर के छोड़ देंगे, तो माध्यिका बीच का मान कहलाता, तो उत्तर हो जाएगा 17, तो माध्यिका कितना हो जाएगी इसकी, माध्यिका होगी आंकड़ों की 17, आंसर कितना आ जाएगा 17, तो माध्यिका के लिए बीच की वैल्यू पकड़ना है, तो इधर के 3 और उधर के 3 छोड़ के बीच का मान, माध्यिका के लिए यदि 2 वैल्यू आती बीच में तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं, यदि 2 मान आ जाते बीच में, यदि 8 पद होते तो 3 इधर के 3 उधर के दोनों साइड के छोड़ के और बीच के दोनों मानों को जोड़ के 2 से भाग कर देते, अभी सिंगल वैल्यू बची तो यही माध्यिका हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नौवां प्रश्न देखिए, 5:4 के समतुल्य अनुपात है, तो ऑप्शन से ही सॉल्व कर लेंगे, ऑप्शन में काटेंगे जिसमें 5:4 आ जाएगा, 5 और 4 का अनुपात वही उत्तर हो जाएगा, तो यहाँ पर तो संभव ही नहीं पहला ऑप्शन, क्योंकि 4 5 लिखा है दीदी, यहाँ पर एक ही संख्या से दोनों काटना है तो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि नहीं कटेगा तो ये भी संभव नहीं है, यहाँ पर 5 से काटे हैं 25 से, तो 25 25 25 25 2400 ये इसका उत्तर सही है, बाकी इसमें भी नहीं कटेगा, एक ही संख्या से दोनों को काटना है, 25 से दोनों को काट दिया आ गया, तो ये उत्तर होगा इसका सी नंबर। आगे देखिए 12 पैसे कितने रुपए के बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले कि 1 रुपए बराबर, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 रुपए बराबर कितने पैसे 100 पैसे, तो ध्यान रखिएगा 1 रुपए बराबर 100 पैसे, तो यहाँ पर 12 पैसे है तो कितने रुपए हो गए, तो 12 को 100 से भाग कर देंगे, 12 को किससे भाग कर देंगे 100 से, काट देंगे 4 से चार तीन 12, 4 से इसको काटेंगे 25, तो इसका आ जाएगा 3/25 रुपए, ये कन्वर्ट हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। एक परीक्षा में 360 विद्यार्थी बैठे हैं, तो यहाँ पर देखिए बहुत सरल क्वेश्चन है, और उनमें से 45% फेल हो गए, तो पास हुए विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है, वहां परसेंट दिया है, तो पहले कुल लिख लेंगे और यहाँ पर फेल लिख लेंगे और इधर लिख देंगे पास, तीन चीज है यहाँ पर,
अब यहाँ पर कुल कितने दिए हैं, कुल 100% होता है, यहाँ 360 तो संख्या दी है 360, लेकिन होते कितने हैं टोटल 100%, ये 360 100%, तो ये 100% हो गया। फेल कितने होते हैं जी, फेल देखें तो 45% फेल हो जाते हैं, तो घटा देंगे इसमें तो 55% क्या हो जाएंगे पास। अब ये कुल जो 100% वो 360 के बराबर, ये वैल्यू दिया है 100% बराबर दिया है 360, तो 1% बराबर निकालेंगे, 001 कैंसिल, तो 36 बटे कितना आ जाएगा 10, 1% की वैल्यू हो जाएगी 36/10, तो पास 55% है, तो कुल संख्या निकालना है, तो 55 × 1% की आ गई यहाँ 36/10 यहाँ कर देंगे, तो काटेंगे 5 × 10, 5 इसको काटेंगे 13 आ जाएगा, 13 × 55, 2 से इसको काटेंगे 2 × 1 = 2, 18 × 36 दोनों को गुणा कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा, तो देखिएगा 18 × 18 = 18, 18 + 18 = 19, 198 पास विद्यार्थियों की संख्या आ गई 198, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 12वां प्रश्न देखिए, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ईश्वर सिंह एक काम के आधे भाग को 5 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि याद राम एक तिहाई भाग को 5 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। देखिएगा इसको कैसे एक टेबल बनाते हैं, टेबल में कैसे सेट करते हैं। तो सबसे पहले ईश्वर सिंह को ए मान लेते हैं और याद राम ने ऊपर लिखा है, इसको क्या मान लेंगे बी। तो देखिएगा ईश्वर सिंह एक काम के आधे भाग को, मतलब ए जो है 1/2, पूरा काम का 1/2, 5 दिन में करता है बराबर 5, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, आधा काम यदि 5 दिन में, तो पूरा काम 2 × 5 = 10 दिन पूरा कर देंगे, तो पूरा काम होगा 10 दिन। और याद राम को भी मान लीजिए, तो ये एक तिहाई काम करता है, पूरे काम का 1/3 भाग 5 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 3/5 = 15 दिन, ये तो अकेले अकेले दे दिया है, तो दोनों काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे, तो टेबल बनाने के टाइम पीस की टोटल वर्क, यहाँ पर एक टेबल इस तरह बनाना है, देखिएगा बहुत सरल है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ऐसे दोनों मिलकर दे रहा है तो ए प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ पर एक टेबल क्लोज सिंपल है। देखिएगा ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में टाइम के सामने रखेंगे, और बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में, दोनों का एलसीएम 10 × 15 का एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक आएगा 30, ये टोटल वर्क आ जाएगा यहाँ पर 30, एलसीएम भी टोटल वर्क हो गया। स्पीड कितनी आएगी, तो यहाँ टाइम इनटू स्पीड टोटल वर्क, तो 10 में कितने का गुणा करते हैं कि 30 हो जाए, 3 का गुणा, एक स्पीड 3 हो गई, 15 में कितने का गुणा करने की 30 हो जाए, 2 का गुणा, 15 × 2 = 30, तो बी की स्पीड कितनी हो गई, 2 हो गई, अब दोनों की कुल स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देंगे 5, तो दोनों को प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर दोनों की कुल स्पीड आ जाएगी, इनको दोनों को प्लस करने पर प्लस कर देंगे तो 5 हो गई। अब स्पीड दिया है, टोटल वर्क दिया है, तो भाग कर देंगे इसमें टोटल वर्क से, स्पीड में सॉरी 30/5 कर देंगे, तो 5 × 6 = 30, 6 होगा, 6 दिन में करेंगे, यही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 2x + 3y = 9 तथा 3x + 4y = 11 हो तो x और y के मान होंगे, तो ऑप्शन से इसको सॉल्व करेंगे। ऑप्शन से देखिएगा, x का मान -3 है ए ऑप्शन में, और y का मान 5 है, तो आपको केवल कोई एक समीकरण ले लेना है, जैसे इसी को हम यदि देखें, इस समीकरण में ही रखते हैं x और y का, तो 9 आना चाहिए, जैसे जब हम सॉल्व करेंगे पहले ऑप्शन की वैल्यू रख देंगे, सॉरी 2x + 3y = कितना दिया है 9, x का मान रखते हैं -3, तो 2 × -3 और प्लस 3 × y का मान रख देते हैं 5 बराबर 9 के आना चाहिए, तो 2 × 3 = 6 - 6 प्लस 3 × 5 = 15 बराबर कितना 9, 15 में 6 हटाएंगे तो 9 आएगा, 9 = 9 आ रहा है, मतलब हमारा उत्तर ये सही है। यदि इसमें ना आता तो बी नंबर चेक कर लेते, तो सी और डी भी इसी तरह चेक करते, किसी एक समीकरण को ले लेना, दूसरे को लेने की जरूरत नहीं है इसमें, तो ये आप एक ऑप्शन सही हो गया। अगला देखिए, 180 डिग्री के कोण से बड़ा तथा 360 डिग्री के कोण से छोटा कोण क्या कहलाता है, तो सिंपली इसमें आपके ऑप्शन में दिया है, इसको लिखेंगे बृहत कोण, ऑप्शन में देख लीजिएगा इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, बृहत कोण या बृहत कोण, ये बृहत कोण की परिभाषा ही होती है कि 180 डिग्री से बड़ा वह 360 डिग्री से छोटा, ये इसमें ये जानना है बृहत कोण। एक यंत्र भुजा के बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो इसका भी फार्मूला होता है, फार्मूले से आप देख लीजिएगा,
2n-4 इतने समकोण, ये इसका सूत्र ही होता है निकालने का। तो यहां पर क्वेश्चन इसके समाप्त हो चुके हैं। मैं जल्दी नेक्स्ट प्रैक्टिस से पेपर भी अपलोड कर दूंगा, और साथ साथ सॉल्व पेपर भी अपलोड कर रहा हूं, तो उसको भी आप देखते जाइएगा। सॉल्व पेपर जो आर्मी में आ चुके हैं क्वेश्चन, आए हुए क्वेश्चनों का मैं सॉल्व पेपर भी साथ साथ अपलोड कर रहा हूं, तो वहां से आप वीडियो सर्च कर लीजिएगा, सभी वीडियो तो मिल जाएंगे, और सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस से पेपर लगा लीजिए, तो आपसे मैथ के क्वेश्चन छूटेंगे नहीं एग्जाम में। सॉल्व पेपर इसलिए लगाना जरूरी है क्योंकि आए हुए क्वेश्चनों को भी लगाते रहिए तो ये रिपीटेड होते रहते हैं जो आए हुए क्वेश्चन होते हैं। तो इस पार्ट में कहीं